एक बड़ी पुरानी कहावत है, अकलमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। रूस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका रिजल्ट भी सामने आ गया है और जिसे दुनिया चमत्कार से कम नहीं मान रही है। इतने प्रतिबंधों के बावजूद आखिर रूस ने कैसे कर लिया ये सब कुछ, ये जानना भारत के लिए भी बेहद जरूरी है। ऐसे रूस इतनी मजबूती के साथ आकर खड़ा हो चुका है, दुनिया तो हैरान है ही, पर भारत के एक फैसले से दुनिया और भी ज्यादा हैरान है। लेकिन भारत ने ये फैसला लिया है 2014 की अपनी गलती नहीं दोहराने के लिए। जानेंगे ये फैसला रूस से कैसे रिलेटेड है और क्या करना चाहती है भारतीय सरकार। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या भारत के ऊपर किसी तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। भारत का एक्सपोर्ट किस तरीके में जा रहा है? बहुत अच्छा, पहले से काफी बेहतर। भारत का बाकी व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। भारत का फॉरेन रिजर्व कैसा है? अभी तक अच्छा है, क्योंकि कुछ कर्ज चुकाने थे इसलिए उसमें से काफी पैसे इधर के समय में निकले हैं। लेकिन हाँ, जिस लेवल का एक्सपोर्ट हो रहा है जल्द ही चीजें और अच्छी होंगी। कुल मिलाकर कहें तो भारत की इस वक्त अर्थव्यवस्था बिल्कुल बम बम कर रही है, मतलब मजे में है। भारत दुनिया को गेहूं बेच रहा है, गेहूं के लिए नए नए कस्टमर मिल रहे हैं, नए नए ग्राहक मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जो ग्राहक टूट गए हैं वो ग्राहक अब भारत के पास आ रहे हैं, तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी होने लगा है। कुल मिलाकर कहें तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और रूस के ऊपर तो प्रतिबंध लगे हुए हैं, रूस पर दनादन एक के बाद एक देश प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कभी यूएन से बाहर किया जा रहा है, कभी कहीं से, कभी एनएमएफ का दर्जा छीना जा रहा है। यानी रूसी अर्थव्यवस्था पर हर वो चीज ट्राई की जा रही है जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह किया जा सके, और इस लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश इन सारी चीजों को करके। अब प्रश्न उठता है, तब तो रूस की करेंसी धड़ाम हो चुकी होगी, रूस की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी होगी। पर यहाँ पर एक चौंकाने वाली चीज निकल कर सामने आई है। चौंकाने वाली चीज इसलिए सामने आई है क्योंकि अभी भी रूस का रूबल भारत के रुपए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने प्रतिबंधों के बावजूद। आखिर ये चमत्कार रूस ने कैसे कर दिया? रूस ने इस बड़े जंग के बीच, जहां ये माना जा रहा था कि रूस और रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? दुनिया इस बात को लेकर हैरान थी। लेकिन जब यहाँ एक्सपर्ट बैठे कि आखिर मामला क्या है, कैसे रूस ने न सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि माना तो ये जा रहा है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक के लिए रूस के पास इतने पैसे हो गए कि ये लड़ाई अभी तुरंत बंद नहीं होने वाली है, जब तक रूस नहीं चाहेगा। ये बात सच है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस को नुकसान हुए हैं, और ये नुकसान होने के कई कारण हो सकते हैं, कारणों पर नहीं जाते हम लोग। हो सकता है कि रूस ने उस तरीके से हमला नहीं किया क्योंकि उसे अपने उन गैस पाइपलाइन के जाल का भी इस्तेमाल करना है, जो जाल रूस के गैस को यूरोप तक पहुंचाती है, या फिर कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। यहाँ मेन मुद्दा है कि आखिर रूस ने किस तरीके से अपने करेंसी को बनाए रखा है अब तक। यहाँ तक कि अब तो रूस ये सोच रहा है कि अपनी करेंसी को गोल्ड में, सोने में परिवर्तित कर दे। अब इसके लिए हालांकि उसे मदद चाहिए होगी चीन की, भारत की, ऐसे मित्र देशों की जिसके साथ वो व्यापार करे और गोल्ड में व्यापार करे, करेंसी का झंझट ही खत्म हो जाए तक कि प्रतिबंध नहीं हटते हैं। आपको बता दें, जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना रूस ने, उस मास्टर स्ट्रोक का नाम है एक तो डर और दूसरा ऑयल और गैस। आपने देखा होगा ऐसे ही ये युद्ध शुरू होने लगा, दुनिया को खतरा लगने लगा कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, कहीं बात बहुत आगे न बढ़ जाए, और खास करके यूरोप के देश और भी कई अन्य देश, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो सबसे बड़ी मांग अगर किसी चीज की होती है तो वो चीज होती है ईंधन, ईंधन यानी कि ऑयल और गैस। अब ये देश
धड़ाधड़ क्रूड ऑयल खरीदना शुरू करने लगे। इन्होंने पहले से कई गुना ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा और बड़ी बात सुनिए, नाटो देश यूरोप में बड़ी फूट डाल दी। रूस ने जब ये कहा कि हमें पेमेंट करो रूबल में, हम तुम्हारे डॉलर या यूरो नहीं लेंगे। अब जैसे ही ये बात आई, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो। पर रूस अपनी जगह से हिला नहीं। असर ये हुआ, यूरोप के देश टूट गए और टूट कर उनमें से 4-5 देशों ने रूबल में पेमेंट करके अपने लिए फ्यूल खरीदना, ईंधन खरीदना शुरू कर। इसमें ये कह रहा है कि रूस ने अपने ईंधन को बेचकर दुगना रेवेन्यू कमाया है। $62 बिलियन का इन्होंने तो ऑयल, गैस और कोयला बेच दिया है मात्र 2 महीने में। और सबसे ज्यादा खरीदने वाला कौन है? सबसे ज्यादा खरीदने वाला है जर्मनी। अब ये सारी वजह है जिसकी वजह से रूस ने अपने पूरे सिस्टम को बचा कर रखा हुआ है और रूस को उसका गैस पाइपलाइन बहुत ज्यादा काम आया है। और आपको बता दे, हाल ही में रूस ने कुछ यूरोपियन देशों को गैस देने से मना भी कर दिया है। पोलैंड, बुल्गारिया को रूस की तरफ से गैस नहीं पहुंचा। जहां ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस में क्या चल रहा है, ये चीजें साफ साफ निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन जो सामने दिख रहा है उसके अनुसार चीन अब धीरे धीरे रूस से दूर होता जा रहा है और चीन कई ऐसे फैसले ले रहा है जो रूस विरोधी फैसले हैं। अब जैसा कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, सारे कार्ड को पश्चिमी देशों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से रूस के नागरिक न तो पैसे का लेन देन कर सकते थे, न तो बाहर से मंगा सकते थे, न बाहर भेज सकते थे। रूस ने चीन से मदद मांगी कि यूनियन पे अपना जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करने दो। पहले तो उसने हाँ कहा, लेकिन फिर खबर आ रही है कि यूनियन पे के लिए भी चीन ने मना कर दिया। लेकिन भारत की तरफ से मदद अभी भी रूस को पहुंच रही है। अब ये मदद कहें या भारत अपने लिए ये सारी चीजें कर रहा है, कैसे तो जानेंगे। 2014 की गलती भारत नहीं करना चाह रहा है। अभी भारत सरकार ने अपने स्टेट रन पेट्रोलियम फार्म्स को कहा है कि आप रशियन ऑयल एसेट्स को खरीदो। साधारण भाषा में ये समझिए कि रूस की कंपनी है रोजनेफ, इस कंपनी में अमेरिका और ब्रिटेन ने पार्टनरशिप की थी। ऐसे यूके का बीपी, इसका करीब 20% के आसपास शेयर है रोजनेफ्ट के साथ। ऐसे ही अमेरिका की है एक्सोन मोबाइल। एक्सोन ये भी उसके फार ईस्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, करीब 35% की हिस्सेदारी मानी जाती है इसकी। अब ये जो यूके और यूएस की कंपनियां हैं, एक इन्होंने तो अपनी कंपनी बंद कर दी, वहां के स्टाफ को फायर कर दिया और अब ये चाहते हैं कि हम अपना अपना शेयर बेचकर निकले यहां से। भारत सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों और प्राइवेट फार्म को कहा है कि आप इनके शेयर खरीद लो। तो आप सोचेंगे भारत सरकार क्या नई दुश्मनी मोल ले रही है? तो सच्चाई ये है कि 2014 में ऐसे ही जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था, तब भारत को ऑफर दिया था रूस ने, लेकिन भारत ने उस वक्त ढीला ढालापन दिखाया था और रूस की बाजारों में चीन भर चुका था। बाद में ये प्रतिबंध हट जाते हैं, लेकिन जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का समय था, उस वक्त भारत ध्यान नहीं दे पाया। भारत ऐसी गलती फिर से नहीं करना चाहता है। आने वाले समय में ये प्रतिबंध हट जाएंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगा वही यहाँ पर असली विजेता होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार जो ये निर्णय ले रही है, क्या ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।